प्रेम संसार की सबसे गहरी पूजा है, प्रार्थना है, लेकिन लोग इस गहराई को समझ ही नहीं पाते। गहराई समझने के लिए उसमें डूबना पड़ता है और लोग अक्सर डूबने से डरते हैं। वो भूल जाते हैं कि प्रेम ही मोक्ष है और संसार माया। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि एक भक्त को असल में सिर्फ मोक्ष चाहिए, माया नहीं। और माता पार्वती और भगवान शिव शक्ति ने कभी ये नहीं सिखाया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ना पड़ता है। वो गृहस्थ नहीं है, सद्गृहस्थ है। वो हमें यही सिखाते हैं कि जिस विवाह में, जिस गृहस्थी में सच्चा प्रेम हो, सच्चा साथी हो, वो घर किसी मंदिर से कम नहीं होता। ये मां पार्वती का साथ ही था जिसने शिव को हलाहल यानी विष को अपने कंठ में धारण करने की शक्ति दी थी। इसी तरह से अगर हम लोग एक दूसरे का जीवन में साथ दें तो हम भी अपने जीवन के विष को, अपनी जिंदगी की कड़वाहट को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं। अपने जीवन की सभी कड़वी बातों को और कड़वे हादसों को अपने दिल तक पहुंचने से रोक सकते हैं। कहते हैं आज के दिन माता पार्वती जी जोग लेने जा रही थी, लेकिन उनकी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें शिवजी की प्राप्ति हुई। इसीलिए आज के दिन माता पार्वती ने शिवजी के लिए पूरा श्रृंगार किया। आज के दिन अगर पति पत्नी को श्रृंगार का सामान दे तो शुभ होता है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। भगवान करे सब ठीक हो।
समर हर बार शिवरात्रि को ही तुझे तमाशा करना होता है। लीला, आज नहीं। अरे आज नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं। सब लोग पूजा में ध्यान दे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। आधे पुरुष आधी स्त्री पूरेश्वर यानी अर्धनारीश्वर। भगवान शिव अपने इस रूप से हमें बताना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, वो दो टुकड़े हैं जो साथ मिलकर ही पूरे होते हैं। दोनों में कोई अंतर ही नहीं होता है। जब एक दरवाजे पे आता है, दूसरा पूछता है कि कौन है, तो पहला कहता है कि तू ही है, क्योंकि दोनों इस तरह से एक हो जाते हैं कि उन दोनों के बीच मैं का अस्तित्व ही मिट जाता है। दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं जैसे कि पानी में मिश्री। और एक बार अगर मिश्री पानी में घुल गई तो संसार की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाती। ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव। हर हर, हर, हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अनु, आज मैं भोलेनाथ के सामने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत 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 प्रेम करती हूँ। छोटी अनु, अब तुम्हारा और परी का सोने का टाइम हो गया है, तो सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मारी बेबली। किंजल, इसे ले जाओ प्लीज। मैं आती हूँ। ओके चल।
आपके पांव छुए बिना मेरी पूजा पूरी नहीं होती अनुज। Just stop it, माया। For God's sake, just stop it! क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्लाए क्यों काफिया? काफिया क्या लगा तुम्हें कि कोई देख नहीं रहा है? क्या सोचा कि जो तुम कर रही हो वो किसी को दिखाई नहीं देगा? मैंने सब देखा है माया, तुम्हारी हर एक हरकत, हर नजर, हर पैतरा सब देखा है मैंने। मैंने रोका था तुम्हें, समझाया था, मना किया था कि ऐसा मत करना। मुझे लगा कि मेरे कहने का कुछ तो असर पड़ेगा तुम पे, लेकिन नहीं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। जब तक चिंगारी तुम्हारे मन में थी ना, तब तक मैं चुप थी, लेकिन अब तुम उसी चिंगारी से घर जलाने की कोशिश कर रही हो, तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या चिंगारी? कौन सी हरकत? किसका? क्या कह रही हो काव्या? साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाह रही हो? क्या हाँ, ऐसा क्या हुआ है जो सुतरी बॉम्ब की तरह फटे जा रही है? हाँ? क्या हुआ बोलो ना काव्या। रो क्यों रही हो? बताओ तो हुआ क्या है? माया ने क्या किया? माया ने हाँ क्या हुआ? वही जो मैंने किया था। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।